हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झासर एकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे? आपको YouTube प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप YouTube पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं, आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की, और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं, उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए GS के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं। इकोनॉमिक्स है जैसे CSAT की, आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी, और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झासर एकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट? और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झासर एकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा। जो जिन पेड कोर्सेज को झासर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं, जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है, झासर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट? तो आप इन कोर्सेज को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झासर एकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झासर एकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइस ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा, और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पर भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट? सो गाइज, झासर एकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा।
गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. एम आई ऑडिबल टू ऑल? कुछ टेक्निकल इशू था इस वजह से. वेट, अभी तक हमने जो है वो देख लिया है कि किस तरीके से आपके जो यूरोपियंस कंपनी है वो आने की कोशिश कर रहे हैं, और ये यूरोपियंस कंपनी जो है वो सेटल डाउन होने की कोशिश कर रही हैं, जिसमें हम जो है ब्रिटिशर्स को देख रहे थे. और ब्रिटिशर्स को हम देख रहे थे तो हमने ये देख लिया था कि कैसे उनको बॉम्बे मिल चुका है, और बॉम्बे के गवर्नर जो हैं हमारे गेराल्ड ऑंगियर बन चुके हैं. ऑल राइट, करेक्ट है. इसके बाद हम एक चीज़ और हम देख चुके हैं कि गेराल्ड ऑंगियर्स के बनने के बाद बॉम्बे जो है वो हेडक्वार्टर बन जाता है. 1687 की बात होती है, तो मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि अंग्रेज जो हैं वो अब क्या है, उन्होंने बॉम्बे को जीत लिया है या बॉम्बे को वो कैप्चर कर चुके हैं. मद्रास, ठीक है, जो हमने ऑलरेडी देखा है 1641 के आसपास जो है वो हेडक्वार्टर बन जाता है मद्रास, एंड अब उसके बाद वो कोलकाता की ओर जाते हैं. कोलकाता, दैट इज़ द, हम देखते हैं कि इनकी तीन प्रेसिडेंसी बनती हैं, ये आप सभी को पता होगा, पॉलिटी में आपने देखा होगा. तो अब यहाँ पर कोलकाता की बात होती है, तो कोलकाता की ओर चलते हैं, और कोलकाता जो है वो किस तरीके से यहाँ पर आपका बनने वाला है इनकी एक हेडक्वार्टर, करेक्ट है. तो 1690 की बात होती है, इंग्लिश परचेज थ्री विलेजेस, ठीक है. अंग्रेज क्या करते हैं, तीन विलेज खरीद लेते हैं. देखिए वही चीज़ है, ठीक है, ये व्यापारी के तौर पर आते हैं, कुछ क्षेत्र जो है वो ले लेते हैं और बहुत ही कम दाम में ले लेते हैं, और वहाँ के एक लोकल जमींदार से तीन गाँव खरीद लेते हैं. तीन गाँव कौन कौन से खरीद लेते हैं, वो हैं आपके तीन गाँव, उसको ऐसे याद रख सकते हैं कि KSG, है ना, एक आपकी प्रतिष्ठित संस्थान है KSG, सिविल सर्विसेज की तैयारी कराती, तो वहीं से आप कनेक्ट करके देख लीजिए. कालीकाता, है ना, यहाँ तो सी मत कर लेना, ठीक है, के कर लेना, तो वहां से क्या होगा, जल्दी याद हो जाएगा. कालीकाता, सूतानूटी या कह सकते हैं एक है गोविंदपुर. दीज आर द थ्री प्लेसेस, थ्री विलेजेस, एंड दिस विलेजेस इज गोइंग टू कन्वर्ट इन ए कोलकाता, ठीक है. खूब खेला हो बे, यहाँ पर ही खेला हुआ था, आपको पता चल चुका है, और खेला हुआ बहुत हुआ, ठीक है, और अभी भी कुछ चल रहा है, ठीक है. तो दिस इज द थ्री विलेजेस एंड दे आर गोइंग टू कन्वर्ट इन ए फोर्ट विलियम्स. आगे चलकर अंग्रेज क्या करते हैं, उसको फोर्टिफिकेशंस करते हैं. 1700 का समय है एंड दे आर गोइंग टू फाउंडेड फोर्ट विलियम. डू यू रिमेंबर फोर्ट लुई? हमने फोर्ट लुईस के बारे में देखा था, और वो हमने फ्रेंच बस्ती में देखा था, फ्रेंच सेटलमेंट में देखा था, और वैसे ही अब यहाँ पर हम देख रहे हैं फोर्ट विलियम्स. और फोर्ट विलियम जो है वो आपको देखने को मिलेगा 1700 में कोलकाता में बनाया जाता है, और यही इनकी कैपिटल के तौर पर भी काम करेगा. ये कब तक करेगा? जब तक कि आपकी कैपिटल जो है दिल्ली शिफ्ट नहीं हो जाती. और दिल्ली जो है आप देखेंगे यहां पर, देखिए 1911 तक आपका देखने को मिलेगा कलकत्ता वर्किंग एज ए कैपिटल, ठीक है. तो मैंने यहां पर मेंशन किया है फॉर्मेशन ऑफ द कलकत्ता 1772 से 1900 के बीच में आपके आते हैं, ठीक है. तो मतलब दैट मीन्स ये हो जाएगा, और चार्ल्स आयरे वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कलकत्ता गवर्नर. ये प्रेसिडेंट नहीं, एक्चुअली इनको गवर्नर हम कहेंगे यहाँ पर, तो गवर्नर टर्म यूज की जाती है, वही लिखें तो ज्यादा अच्छा है. ये प्रेसिडेंट आ गया ट्रांसलेशन में, कोई दिक्कत नहीं. तो वी कैन अंडरस्टैंड द सिचुएशंस कि क्या इस तरीके से अंग्रेज जो है वो सेटल डाउन होने की कोशिश कर रहे हैं, और सेटल डाउन जो है वो आप देख रहे हैं कि उन्होंने बॉम्बे जीत लिया है, और उसके बाद मद्रास जीत लिया है, और अब ये कोलकाता की बारी. तो नाउ दे आर गोइंग टू कैप्चर दीज थ्री प्लेसेस, उन्होंने ये तीन प्लेसेस को कैप्चर कर लिया है, और ये तीन प्रेसिडेंसी आप लोगों को ऑलरेडी पता है, और ये तीन प्रेसिडेंसी किस तरीके से काम करती हैं, क्या होता है वो आपको पता है. 1772 के आसपास, 1773 में कहें, 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आएगा, और रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, दैट इज रिलेटेड टू द पॉलिटी, ठीक है. पॉलिटिकल कंडीशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो हम देखते हैं कि ये बॉम्बे की जो आपकी कलकत्ता की प्रेसिडेंसी है उसको सुपीरियर बना दिया जाता है, और यहां पर हम देखते हैं कि ये दोनों प्रेसिडेंसी उसके नीचे काम करती हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए. तो दैट इज ए कनेक्शन, ठीक है, थोड़ा सा कनेक्शन करने की कोशिश करिए. अब आप देखते हैं कि फोर्ट विलियम्स जो है जो हमने कोलकाता में बनाया है वो वर्किंग करेगा,
यस ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एट फोर्ट विलियम 1774, यू आर राइट, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अजीत जी, और आप वहां से कनेक्ट कर सकते हैं ठीक है कि ये सारी कहानियां हैं, और ये हेडक्वार्टर के तौर पर काम करने वाला है अंग्रेज कंपनी के लिए, तो ये 72 मोटे तौर पर आप वहां से कनेक्ट करके देख सकते हैं 1773, ये जो ईयर्स हैं उसको लगभग लगभग आप वैसे तौर पर देखें तो फोर्ट विलियम्स ही जो है आगे चलकर जो है इनका हेडक्वार्टर के रूप में काम करता है। और डू रिमेम्बर, ये याद रखिए, हम देखेंगे कि 1757 के टाइम पे हमने देखा था, हमने 1757 के टाइम पे आपका जो आपका बैटल ऑफ प्लासी देखा था, उसमें भी हमने इस चीज की चर्चा की थी फोर्ट विलियम्स, तो वहां से आप कनेक्ट करके देखने की कोशिश करिए कि कहीं ना कहीं जो है वो कनेक्शंस वहां से जुड़े हुए हैं, और बैटल ऑफ बक्सर हमने देखा था। बाद में कैपिटल को 1912 के आसपास जो है वो शिफ्ट कर दिया जाएगा, और इस तरीके से हम देखते हैं कि कोलकाता कैपिटल के रूप में काम करती है, और ये कहानी जब मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत हम जब आपका स्ट्रगल्स देखेंगे, फ्रीडम स्ट्रगल्स देखेंगे, उसके दौरान हम देखने वाले हैं। ऑलराइट, ये समझ में आ चुका होगा ठीक है कहानी आपको। अब होता क्या है 1707 के आसपास, ठीक है मोटे तौर पर ये कहानी चल रही है, और जब हम ये देखेंगे कि 1707 के आसपास सारी की सारी जो राइवरीज कंपनीज होती हैं, जो ईस्ट इंडिया से व्यापार कर रही हैं, उन सबको मर्ज कर दिया जाएगा और एक नाम दे दिया जाएगा, द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग विद द ईस्ट इंडीज। ये लंबा चौड़ा नाम जो है, यही कंपनी जो है वो आगे चलकर भारत पर शासन करती है, द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग विद द ईस्ट इंडीज, मतलब इसे शॉर्ट में कहा जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी, नाम तो सुना ही होगा, और ये वही कंपनी है जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना की है, और ये कंपनी 1858 तक चलेगी। यू नो द रीजंस, 1857 में एक रिवॉल्ट होगा, और उस रिवॉल्ट के फलस्वरूप हम देखते हैं द कंपनी का शासन खत्म कर दिया जाता है और क्राउन का शासन शुरू हो जाएगा। 1858 तक आपको वेट करना होगा, तब तक आपका शोषण ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। तो इस तरीके से हमने देखा कि हाउ दे आर गोइंग टू डेवलप 1600 के आसपास वो कंपनी, 1599 में हमने देखा कैसे आपका अंग्रेज आए ठीक है, 1600 के आसपास उनकी फॉर्मेशन होती है, 1700 के आसपास उनका डेवलपमेंट हो रहा है, 1757। अब देखिए थोड़ा यहां पर आने की कोशिश करिए, 1707 तक की कहानी आपको समझ में आ चुकी है, 1707 में नाउ यू आर गोइंग टू कनेक्ट द सिनारियो विद द पोस्ट मुगल्स। मैंने आपको पोस्ट मुगल्स के दौरान फरूख शेयर की कहानी बताई थी, और फरूख शेयर के टाइम पर एक फरमान जारी किया जाता है, क्योंकि फरूख शेयर को एक सर्जन हैमिल्टन है ना, हमने देखा था ठीक है, और वो आप देखते हैं एक डेलीगेशन आता है, और ये डेलीगेशन जो है फरूख शेयर को खुश कर देता है, और जब फरूख शेयर को खुश किया जाता है तो इन सच कंडीशन फरूख शेयर एक फरमान जारी कर देते हैं कि सबको वैक्सीन लगवानी पड़ेगी, मतलब आप समझ चुके होंगे, और यहां पर एक ट्रेड कंसेशन दिया जाता है, एक प्रकार की रियायत दी जाती है, एंड दिस वॉज द दस्तक। यस वेरी गुड, यू आर राइट, और यही कंपनी के मैग्ना कार्टा कहा जाता है, मैग्ना कार्टा दैट इज द इन फेवर ऑफ द कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के फेवर में होता है। अब कंपनी भी खुश हो जाती है और आप लोग भी खुश हो चुके होंगे कि आपका कनेक्शन जुड़ चुका है। अब आप देखिए कंपनी को कनेक्शंस मिल चुके हैं और रियायत मिल चुकी है, वो दस्तक से क्या करने वाले हैं, उसका मिसयूज करने वाले हैं, और जब इसका मिसयूज करेंगे तो वो मिसयूज कहां होगा, दैट इज मिसयूज इन द बंगाल, और बंगाल में एक हम देखेंगे एक सिनारियो बनेगा, और वो सिनारियो जो है एक हलवा में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये हलवा बनेगा बैटल ऑफ प्लासी। मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है, समय है 1757। तो 1717 की घटना, डू यू रिमेंबर, हम ये सब कवर कर चुके हैं, इसीलिए शॉर्ट में लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, और अब सारी कड़ियां आप जोड़ते जाइएगा, जैसे जैसे एक इन्वेस्टिगेशंस के दौरान जोड़ी जाती हैं क्या क्लूज हैं। तो अब देखिए हिस्ट्री को हम किस तरीके से देख रहे हैं, कि हमने बहुत सारी घटनाओं को देखा, ए बी सी डी, और अलग अलग घटनाओं को जोड़ते हुए अब हम सबको समराइज करते हुए यहाँ की ओर बढ़ रहे हैं, और 1717 की जो घटना होती है दैट इज द मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनीज दैट इज गोइंग टू कन्वर्ट इन द बैटल ऑफ प्लासी, और 1757 में किसने किसको हराया यू ऑलरेडी नो।
तो ये हलवा जो है मैंने आपको 1757 में बनाकर बताया था, लेकिन इसकी महक तो 1717 से आना शुरू हो जाती है। 1757 में कंपनी बैटल ऑफ प्लासी करती है, और क्या होता है क्या नहीं होता है ये हमने पिछले एपिसोड्स में देख लिया है। कंपनी यही नहीं रुकती है, इसलिए मैं भी नहीं रुकता हूं। 1760 दैट इज द बैटल ऑफ डब्लू, दैट मीन्स बैटल ऑफ डब्लू दैट मीन्स वॉन्डी वॉश। और वॉन्डी वॉश क्या है ये भी हमने अभी अभी देख लिया है इस सेक्शंस के दौरान। कंपनी एक दैट मीन्स पॉजिटिव एनर्जी से भरी हुई है, और बंगाल के युद्ध जीतने के बाद, मतलब बैटल ऑफ प्लासी जीतने के बाद, दे आर वेरी वेरी दैट मीन्स इन पॉजिटिव मैनर। और 1760 में वो एक वॉश कर देंगे, और यहाँ पर वॉश वाले कौन होंगे, फ्रेंच होंगे, ये आप सबको पता होना चाहिए क्योंकि हमने सारे सिनारियों को कनेक्ट कर दिया है। अब देखिए अगला है बैटल दी 1760। कल जो आप बोल रहे थे कि सर हमें बहुत सारी चीजें याद नहीं होती, तो देखिए कनेक्शंस को जब तक आप पूरा नहीं पढ़ेंगे उसको बाद में फिर इसको समराइज करना है, और यही मैंने यहां पर रखा हुआ है, यही मैंने किया हुआ है। देखिए कितना शॉर्ट में, ठीक है, आप कुछ इस तरीके से अपना एक टाइमलाइन बना सकते हैं। आप ही बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सारे टाइमलाइंस को आप यहां पर इस तरीके से व्यवस्थित करेंगे तो आपको मेमोराइज हो जाएगा। और 1761 में एक बहुत ही दैट मीन्स इंडियन हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट बैटल लड़ा जाता है, उस बैटल का नाम आपका बैटल ऑफ पानीपत होता है। और बैटल ऑफ पानीपत की जो कहानी है वो आप सभी को पता है कि किस तरीके से अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में जंग होती है, मराठा यहाँ पर हार जाते हैं और मराठा का पराठा बन जाता है, और मराठा जो है वो हार गए हैं, लेकिन इसका क्लियर जो बेनिफिट्स हैं वो आपका बैटल ऑफ पानीपत का वो मिलता है किसको, अंग्रेजों को मिलता है। तो इसीलिए मैंने यहां पर मेंशन किया है, इसीलिए मैंने ये पॉइंट यहां पर रखने की कोशिश की है। अब आप इस चीज को आसानी से समझ जाएंगे कि क्या कहानी सिचुएशंस बन रही है। ऑल राइट, ये समझ में आ चुका होगा। अब देखो ये वैसे ही है, ये वैसे ही है जैसे मान के चलिए कोरोना, दैट मीन्स कोरोना एक हम देखे कह सकते हैं बहुत ही एक क्रूशल कंडीशन है। इकोनॉमिकल कंडीशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबकी जीडीपी की हालत खराब है, ठीक है, लेकिन आप देखेंगे मेडिकल सेक्टर या कह सकते हैं जो हॉस्पिटल्स हैं उनका एक शेयर है, या यदि मान के चलिए उनकी कंट्रीब्यूशंस जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रही। तो ये कोरोना किसी के लिए तो क्या है, पॉजिटिव है, किसी के लिए मतलब बहुत सारे लोगों के लिए नेगेटिव है। तो वैसे ही हम देखेंगे बैटल ऑफ पानीपत जो है दैट वाज नॉट इन फेवर ऑफ द मराठास, ठीक है, वो मराठाओं के फेवर में नहीं रहा, ठीक है, उसका अहमद शाह अब्दाली भी बेनिफिट नहीं उठा पाते, लेकिन सबसे ज्यादा बेनिफिट कौन उठाएंगे, अंग्रेज, नाम तो सुना ही होगा। और इसके बाद आ जाता है द गेम चेंजर बैटल, एंड दिस गेम चेंजर बैटल इज नथिंग बट द बीओबी, बीओबी इज नथिंग बट दैट इज बैटल ऑफ बक्सर। और बैटल ऑफ बक्सर के बाद हम देखते हैं देयर वाज ए टू टी ट्रीटीज, है ना, अलाहाबाद की फर्स्ट संधि देखी, अलाहाबाद की दूसरी संधि देखी हमने, और अलाहाबाद के दूसरी संधि और पहली संधि के फलस्वरूप हम देखते हैं कि जो आगे चलकर, दैट मीन्स आगे चलकर 1803 में जो है अंग्रेजों को क्या मिल जाती है, दिल्ली मिल जाती है। और हमने देखा था कि कैसे मुगल बादशाह को है अलाहाबाद में कैद कर दिया जाता है, वो 1800 के आसपास वो वापस दिल्ली आता है, सॉरी 1772-3 के आसपास जो है वो दिल्ली वापस आता है, लेकिन 1800 के आसपास आते आते तक उसको ब्लाइंड कर दिया जाता है। गुलाम कादिर का नाम मैंने आपको बताया था, इफ यू आर रिमेंबर्स, ठीक है, और 1803 पर दिल्ली जो है उस पर किसका कब्जा हो जाएगा, ब्रिटिशर्स का हो जाएगा, और इस तरीके से पोस्ट मुगल्स डाउन हो रहे हैं, और मराठा जो है वो पिट रहे हैं, मराठा का पराठा बन चुका है ऐसा हम कह सकते हैं, और यहां पर एक्चुअल बेनिफिट कौन ले रहे हैं, ब्रिटिश, इसीलिए कहा था स्वागत नहीं करोगे सबसे पहले। दैट मीन्स हम कह सकते हैं जो ट्रायंगल मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो आपको मैंने ट्रायंगल इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री के दौरान बताया था, उसमें हमने देखा था मराठा, है ना, और इसके बाद हमने देखा था ब्रिटिश, और एक और थे हमारे मुगल्स, ठीक है, तो हमारे मुगल्स का चैप्टर यहां क्लोज हो जाएगा, ठीक है। मराठा की आपको देख चुके हैं, पराठा बन चुका है, और अब ये ब्रिटिश ही बचेंगे। अब ब्रिटिश जो हैं वो आप प्रशासन करेंगे, किस तरीके से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो हम थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं। आई होप दिस पॉइंट इज वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, की सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी, और ये वही है जैसा मैंने आपको जीए कंपनी के सिनारियो के तौर पर बताया था। अब आपको देख चुके हैं कि ब्रिटिशर्स जो है वो आते क्यों है, वो ट्रेडिंग्स के लिए आते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, अपनी पॉलिसीज
ट्रीज के द्वारा वो आप पर शासन भी करने वाले हैं और अपनी वॉर, अपनी पॉलिसीज, अपनी टेक्निक्स के द्वारा जो है वो आप पर शासन करेंगे, रूल करने वाले हैं। ठीक है, तो सारी चीजें जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। नाउ दिस इज द टाइम टू डिस्कस द ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडिया। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार हम देखने वाले हैं। अब ब्रिटिश साम्राज्य का जो विस्तार है, अब देखो कैसे होगा। देखिए, ट्रेडिंग्स के तौर पर आए थे ना, ट्रेडिंग्स कर रहे थे, लेकिन ये ट्रेडिंग्स जो है वो रूल में कन्वर्ट हो जाएगी या शासन में कन्वर्ट हो जाएगी, ये सिचुएशन अब हमें थोड़ा थोड़ा देखना है। ये वाला सेक्शन आपको ऑलरेडी पता है, और आपको यदि याद है तो मैंने आपको बताया था कि एक्सपेंशन हम दो तरीके से देखेंगे। ठीक है, अंग्रेज जो है वो अपना एक्सपेंशन दो तरीके से करते हैं। एक तो वो यूरोपियंस को निपटाते हैं और एक वो इंडियंस को निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। निपटाने का मतलब यहां पर ये है कि एक्चुअली वो यहां से देख लेते हैं। तो यूरोपियंस जो हैं सबसे पहले पोर्चुगीज को हटाते हैं, पोर्चुगीज को हराने के बाद वो डच को हराते हैं। ये सब हम देख चुके हैं, जस्ट टू रिमेंबर। मैं इसको केवल क्या कर रहा हूं, एक फ्लो में ले आने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए बार बार। पोर्चुगीज, डच, फ्रेंच, बैटल ऑफ स्वाली हमने किया था सूरत में, डच को हमने बेदरा में हटाया 1759 में, फ्रेंच से हमने 3 कार्नाटिक वॉर किए, एंड दिस सेक्शन इज ऑलरेडी कवर्ड बाय मी। ठीक है, ये वाला सेक्शन आपका कवर हो चुका है, आप लोगों ने भी विजय हासिल कर ली होगी इसको रिवाइज करके, मैं ऐसा मान लेता हूं। बंगाल में हमने बैटल ऑफ प्लासी किया, यस दिस इज डन। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं बैटल ऑफ बक्सर दैट वाज रिलेटेड टू द बंगाल। इसके बाद अवध और मुगल, दिस सेक्शन इज ऑलरेडी कवर, ये भी आपका हो चुका है। अब आपका जो सेक्शन बचा है वो है मैसूर, करेक्ट है। इसके बाद हम मराठा को भी हम देख चुके हैं, दिस सेक्शन इज ऑलरेडी कवर। हमने एंग्लो मराठा के दौरान ये सफर तय किया था कि हम शिवाजी से लेकर गए थे, शिवाजी से लेकर हम पेशवा की ओर गए, और पेशवा से लेकर हम अंतिम पेशवा की ओर गए थे, और ये समय था 1818, एंड दैट वाज द लास्ट बैटल ऑफ एंग्लो मराठा वॉर। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं। समझ में आ रही हो तो आपकी एक मुस्कुराहट जो है आप भेज दीजिएगा। ठीक है, तो मराठा जो है इस तरीके से हम समझ रहे हैं। ठीक है ना, पराठा खाते रहिएगा भाई ब्रेकफास्ट। ठीक है, और पंजाब वाला थोड़ा बहुत सेक्शन हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हम जो है बात कर लेते हैं, मैसूर की बात कर लेते हैं और थोड़ा बहुत पंजाब की बात कर लेंगे, तो ये हमारा ये सेक्शन भी कवर हो जाएगा। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, और अब हम बात करने वाले हैं आपके मैसूर की। तो मैसूर की ओर आ जाते हैं, और मैसूर में आपका कौन इंतजार कर रहा है वो हम जानने वाले हैं। दिस इज द पर्सन, दिस पर्सन नेम इज कॉल्ड द टीपू सुल्तान, द सोर्ड ऑफ टीपू सुल्तान। ये वो व्यक्ति है जिसने अंग्रेजों को बखूबी चैलेंज किया, और ये अपनी तलवार के दम पर जो है वो अंग्रेजों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमें ये थोड़ा सा मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि इनका डेवलपमेंट कैसे होता है। एंड दिस पिक्चर इज दैट मीन्स टेकन फ्रॉम द सोर्ड ऑफ टीपू सुल्तान। एक सीरियल आता था यदि आपको शायद याद हो, द सोर्ड ऑफ टीपू सुल्तान, एंड दिस रोल प्लेड बाय द संजय खान। ये उनका ही पिक्चर मैंने यहाँ पर लिखा है। और ये अपने साम्राज्य का विस्तार कहाँ करते हैं, मैसूर में करते हैं, और ब्रिटिश एक्सपेंशन को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन समय जो है वो इनके फेवर में नहीं होता है। फाइनली 1799 में हम देखते हैं कि मैसूर जो है उसको एनेक्स कर लिया जाता है, और ये भी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा किया जाता है। तो ठीक है, आगे शुरू करते हैं। दिस अब थोड़ा सा इस मैप की ओर गौर फरमाइएगा कि मैंने आपको ये बताया था कि मुगल्स जो हैं वो सिमट कर रह गए हैं। ठीक है, नवाब का उदय हो चुका है। ठीक है, हमने देखा था। ठीक है, यहाँ पर कुछ सेक्शंस जो है वो आपको मराठाओं को दिख रहा है। ठीक है, ये मराठा अपना एम्पायर है। निजाम को भी हमने देखा था, हाउ दे आर गोइंग टू दैट मीन्स रीजनल स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये भी रीजनल स्टेट आपको दिखाई देता है, दैट इज द बंगाल। बाकी ये है दुरानी एम्पायर, अहमद शाह अब्दाली, डू रिमेंबर्स। ठीक है, और ये सिख थोड़े बहुत यहाँ होंगे, हम थोड़ा बहुत इनका डिस्कशंस कर लेंगे, करेक्ट है। ठीक है, तो इनका डिस्कशंस अभी हम कर लेंगे, तो ये अभी हमारे जो वो देखने को मिलते हैं, करेक्ट है। थोड़ा बहुत यहाँ पर मराठा के ये कहीं ना कहीं जो है प्रतिनिधि होते हैं, राजपूत, थोड़ा बहुत ये भी है। तो आपको नीचे एक दिखाई दे रहा है, दिस स्टेट इज कॉल्ड द मैसूर, ऑल राइट। ठीक है, तो ये मैसूर को थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करिएगा कि ये ऊपर जो है
मराठाओं से घिरे हुए हैं, और नीचे जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे नवाब ऑफ कर्नाटक। याद करिए मैंने आपको बताया था ये हैं नवाब ऑफ कर्नाटक, दैट मीन्स यहां पर हमने कर्नाटक के युद्ध लड़े थे और ये ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में आपने देखा था। ठीक है, तो इस तरीके की सिचुएशन आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं मैसूर जो है वो सल्तनत जो है वो यहां से घिरी हुई है मराठाओं से, हैदराबाद है ऊपर, ठीक है, नीचे आपका नवाब ऑफ कर्नाटक है। तो कहीं ना कहीं ये तीनों तरफ से अलग अलग लोगों से घिरा हुआ है। अब ये मैसूर की जो शुरुआत है वो कहां से होती है, कब होती है, किस तरीके का घटनाक्रम बनता है, तो उसे पीछे झांकने के लिए हमें जाना होगा बैटल ऑफ तालीकोटा। क्या आप लोगों ने इसका नाम सुना है? कोई बताएगा भाई बैटल ऑफ तालीकोटा क्या है, कैसा है, किस किस के बीच में लड़ा गया था? डू यू रिमेंबर द मिडाइवल एज और मध्यकाल के दौरान मैंने आपको दो स्टेट्स बताए थे जब मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर दो स्टेट बनते हैं और उन दो स्टेट्स में हम देखते हैं विजयनगर एंड बहमनी। और विजयनगर और बहमनी जो साम्राज्य बनते हैं उनके ही फलस्वरूप या इन दोनों में हम देखेंगे कि विजयनगर और बहमनी के बीच में एक बैटल लड़ा जाएगा, बैटल ऑफ तालीकोटा। डू यू रिमेंबर? यदि आपको याद है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे भी हंसने का मौका मिल जाएगा, मतलब हंसने का मतलब दैट मीन्स ठीक एक स्माइल का मौका मिल जाएगा। यस, ठीक है, तो बैटल ऑफ तालीकोटा वाज द रीजन ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द विजयनगर एम्पायर, वी हैव डिस्कस ऑलरेडी। ये इस एम्पायर के डिक्लाइन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और बैटल ऑफ तालीकोटा से ही हम शुरू करेंगे। अब देखिए कनेक्शन जोड़ा हमने, हम इसको कहां से जोड़ रहे हैं? बैटल ऑफ तालीकोटा से। और बैटल ऑफ तालीकोटा को यदि आपको समझना है तो आपको 1336, आपको 1347, ठीक है, 47 और मोहम्मद बिन तुगलक को समझना होगा। तो मोहम्मद बिन तुगलक जरूर याद रखिएगा, ये हमारे मनमोहन सिंह, ध्यान देना, मतलब वो पॉलिसीज के पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, मतलब कहीं ना कहीं ऐसा समझने की कोशिश करेगा, बट ही वॉज वेरी टैलेंटेड, ठीक है, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे। तो वहीं से हम शुरू करेंगे और बैटल ऑफ तालीकोटा आपको पता होगा और बैटल ऑफ तालीकोटा से हम कहानी शुरू कर रहे हैं। तो दिस इज द कनेक्शन, हाउ यू आर गोइंग टू कनेक्ट, है ना, ध्यान दीजिएगा, कनेक्ट कर रहे हैं हम, ठीक है, क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं आपके मेन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी आप समझ रहे हैं, ठीक है, तो आप वहां से कनेक्ट करके देख सकते हैं। तो बैटल ऑफ तालीकोटा दैट इज द 1565 25 जनवरी का समय होता है, ठीक है, और इस युद्ध के दौरान हम देखते हैं डिसइंटीग्रेशन ऑफ विजयनगर, ठीक है, यहाँ हिंदी में नहीं है तो आप नाराज ना होना, ठीक है, मैं थोड़ा क्षमा चाहता हूँ, ठीक है, तो यहां पर मैं बोल दूंगा उसको, ठीक है। तो डिसइंटीग्रेशन का मतलब है विघटन, विघटन का मतलब है जो एम्पायर आपने बनाया है वो कौन सा एम्पायर, विजयनगर एम्पायर, और विजयनगर एम्पायर का विघटन शुरू हो जाता है इस तालीकोटा के युद्ध के बाद। तो दिस इज द लैंडमार्क, है ना, ये एक खास घटना है, इस वजह से हम देखते हैं कि यहां पर इसका डिसइंटीग्रेशन शुरू हो जाएगा। डिसइंटीग्रेशन शुरू होगा तो हम देखते हैं कि उस दौर में मैसूर नाम के राज्य का उदय होगा। ऐसा हम कह सकते हैं कि विजयनगर का ही एक रीजनल स्टेट हुआ करता था मैसूर, जो आगे चलकर फ्री हो जाएगा सिचुएशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसका डिसइंटीग्रेशन हो रहा है और डिसइंटीग्रेशन के फलस्वरूप मैसूर बनेगा। सेम वैसे ही है जैसे दिल्ली, जैसे आप देखेंगे मुगल के पास आइए और मुगल जो है उनका डिसइंटीग्रेशन होता है तो हैदराबाद बनेगा, हैदराबाद के साथ साथ हम देखते हैं बंगाल बनता है, ये कुछ स्टेट्स आपको देखने को मिलेंगे, नवाब बनेंगे मतलब अवध के। तो मोटे तौर पर हम ऐसे कह सकते हैं कि दिल्ली मुगल बादशाहों के डिसइंटीग्रेशन के फलस्वरूप हैदराबाद, बंगाल और आपके अवध बन रहे हैं, वैसे ही डिसइंटीग्रेशन ऑफ विजयनगर यहां पर मैसूर बनेगा और मैसूर एक फ्री स्टेट के तौर पर काम करने वाला है। कैसे बनेगा अभी हम देखते हैं। तो देखिए 1399 के पास चलते हैं, अफकोर्स बैटल ऑफ तालीकोटा के पहले की घटना है, मतलब जब यहां पर कह सकते हैं विजयनगर साम्राज्य का शासन है, यहां पर एक डायनेस्टी रूल करती है वोडेयार। वोडेयार डायनेस्टी 1399 में स्टेबलाइज होती है और इसके पहले जो फाउंडर होते हैं पहले वो होते हैं यदुराय वोडेयार, करेक्ट है, दैट वॉज द फर्स्ट रूलर, फर्स्ट फाउंडर या कह सकते हैं संस्थापक वो है यदुराय वोडेयार, और ये मैसूर में शासन कर रहे हैं और ये मैसूर में किसके सामंत हैं ऐसा कह सकते हैं, रीजनल पावर, रीजनल रूलर हैं और ये विजयनगर एम्पायर के अंतर्गत शासन कर रहे हैं और इस तरीके से ये पहले शासक कहे जाएंगे। 18वीं शताब्दी तक आते आते तक, ठीक है, यहां पर एक खास राजा होते हैं जिनका नाम होता है कृष्णराज वोडेयार सेकंड, करेक्ट है, और इनके इनका जो टाइम पीरियड आप देखेंगे तो टाइम पीरियड आपको देखने को मिलेगा 1700
चौंतीस से लेकर 1766, दैट इज द टाइम पीरियड ऑफ द कृष्ण राज वाडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के आसपास की ये घटना है, कृष्णराज वाडियार जो होते हैं। अब ये थोड़े अय्याश किस्म के होते हैं, अय्याश तो समझते ही होंगे भाई, ठीक है। दैट मीन्स ठीक है, डेली जो है, मतलब डेली क्या, मतलब हमेशा जो है म्यूजिक सुनते रहना। म्यूजिक किसका? बोला वो बादशाह का नया गाना आया है, ठीक है, और वो जो है अभी नया नया जो है, मतलब इस चीज में वो आपके इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। बोला नहीं, बोला हम जो है दूसरे भी सॉन्ग सुनेंगे, तो कहीं ना कहीं जो है ये हमेशा म्यूजिक, ड्रिंक या इन चीजों में इन्वॉल्व होते हैं। और जो व्यक्ति अय्याश होता है, जो व्यक्ति जो है जो लेविश लाइफ जी रहा है इस तरीके की, वो जो है अपने प्रशासन पर ध्यान नहीं देता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथ में होगा? ऑफ कोर्स दिस एडमिनिस्ट्रेशन दैट वाज हैंडल्ड बाय द नंजराज एंड द देवराज, ये हैं एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल करने वाले। तो कृष्णराज वाडियार जो हैं वो नाम मात्र के शासक होते हैं, एंड द एक्चुअल पावर दैट वाज हैंडल्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव पीपल्स, मतलब ये मंत्री होते हैं ऐसा आप समझ लीजिए, और इनका नाम है नंजराज एंड देवराज, ठीक है। नंजराज और देवराज इस प्रशासन को संभाल रहे हैं और कृष्णराज जो है वो ड्रिंक पी रहे हैं, इस तरीके की कहानी चल रही है। इसी बैकग्राउंड के दौरान 1749 में 1749 के समय पर एक व्यक्ति, एक सामान्य सा सोल्जर जिसका नाम है हैदर अली, और वो हैदर अली जो है उसे एक मौका दिया जाता है कि तुम भी जो है एक सिपाही बन जाओ, या कह सकते हैं एक आपके मिलिट्री लाइफ को आप स्टार्ट करो। समझ में आए? तो एक कहानी है एक्चुअली इसमें, आप देखेंगे यदि आप थोड़ा सा वहां से कनेक्ट करके देखेंगे मैसूर की हिस्ट्री को, तो नंजराज एंड देवराज की लाइफ को बचाने का जो काम है वो हैदर अली करते हैं। होता ये है कि कहीं ना कहीं क्या होता है कि फटाका रख दिया जाता है, बम रख दिया जाता है, ऐसा आप समझ लीजिए, और हैदर अली जो है वो नंजराज और देवराज को बचा लेते हैं, और नंजराज जो है वो उन्हें एक मौका देते हैं कि तुम तो एक बहुत अच्छे सिपाही हो सकते हो, तो आप सिपाही बन जाइए, एक मिलिट्री ज्वाइन करिए और मैसूर के साम्राज्य में कंट्रीब्यूशन करिए। कुछ ऐसी ऐसी कहानी होती है, ठीक है। तो ये वैसे ही है जैसे आज के डेट में आप लोग है, मतलब आपके सांसद और विधायक बन जाते हैं, तो वहां से आप कनेक्ट करके समझ सकते हैं, वहां से आप कनेक्ट करके देख भी सकते हैं। तो मिलिट्री लाइफ इनकी स्टार्ट हो चुकी है, 1750 का समय है, ये आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है ना। और 1749 के समय पर जब ये कहानी शुरू होती है, तो आगे चलकर हम देखते हैं कि नंजराज एंड देवराज इज गोइंग टू रिटायर फ्रॉम द पॉलिटिक्स बिकॉज ऑफ द सम काइंड ऑफ द इश्यूज। एक्चुअली एक घटना होती है, और एक घटना के फलस्वरूप जो है नंजराज एंड देवराज जो है वो ये कहते हैं कि भाई हमने जो है जो कमिटमेंट है वो पूरा नहीं कर पाए। मोटे तौर पर ऐसा कह लीजिए कि भाई आपके अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे, ऐसा इन्होंने कह दिया था, लेकिन 15 लाख रुपए नहीं आए। तो बोला एक काम करते हैं हम इथिकली या नैतिकता के आधार पर जो है अपना रिजाइन कर देते हैं, और ये रिजाइन जो है वो पॉलिटिकल वैक्यूम लेकर आता है। तो नंजराज एंड देवराज इज गोइंग टू रिटायर फ्रॉम द करंट पॉलिटिक्स ऑफ द मैसूर की पॉलिटिक्स से ये रिटायर्ड हो जाते हैं। इन सच कंडीशन, वहां तो क्या था, नंजराज जो है जो आपके जो राजा साहब हैं वो तो क्या है, आपके नाकारा हैं, वो आपको पता ही है, ठीक है, और वो आपके जो ड्रिंक और म्यूजिक में ही इन्वॉल्व हैं। और इस तरीके से अब हम देखते हैं कि यहाँ एक मौका मिलेगा, मौका किसको मिलेगा, वो मिलेगा हैदर अली को मिलेगा। नाउ हैदर अली इज गोइंग टू कैप्चर, ठीक है। तो देखिए मौका उन्हीं के लिए बनाया जाता है जो योग्य होते हैं, जो शासक, ठीक है, और योग्य व्यक्ति जो हैं वो यहाँ पर हैदर अली हैं, और वो योग्य हैदर अली जो हैं वो इस चीज का एक फायदा उठाते हैं, ठीक है। और 1761 में आते आते तक एक्चुअल पावर केम इन हैंड ऑफ द हैदर अली, वास्तविक सत्ता जो है वो किसके हाथ में आ चुकी है, हैदर अली के हाथ में आ चुकी है। डू यू रिमेंबर 1761, दैट वॉज द टाइम वेन द पॉलिटिक्स ऑफ द मराठास एंड द अहमद शाह अब्दाली इज गोइंग टू बैटल इन द बैटल ऑफ पानीपत। मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में एक युद्ध हो रहा है, और इस युद्ध का फायदा जो है थोड़ा बहुत जो है किसको मिलेगा, वो मैसूर को भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि मराठा जो है वो पिटे हैं, और मराठा जब पिटे हैं तो एक फायदा जो है इनको भी मिलता है। तो अब आप एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि हु इज गेटिंग द बेनिफिट ऑफ द BOP, दैट मीन्स बैटल ऑफ पानीपत। तो आप यहां ब्रिटिश को लिख सकते हैं, सिख को लिख सकते हैं, और मैसूर को भी लिख सकते हैं, और मुस्कुरा सकते हैं।
मेरी बात समझ में आ चुकी होगी आपको, ठीक है। तो हैदर अली, तो देखिए सिनारियो, दैट मीन योग्य व्यक्ति होगा, कैपेबल होगा, तो उसके लिए सिनारियो बन जाएगा। और ये सिनारियो जो है वो बन चुका है किसके लिए, ये सिनारियो बन चुका है हैदर अली के लिए। ये है कहानी हैदर अली के बनने की। अब आपको एक चीज तो समझ में आ चुकी है कि 1761 तक आते आते तक हैदर अली जो है वो इस तरीके से काम कर रहे हैं। अब मैं आपको वापिस उस डायनेस्टीज के क्रम की ओर लेके आना चाहता हूं जो इस क्रम में आपको देखने को मिलेंगी। तो देखिए 1399 से ये कहानी मैंने आपको शुरू की थी, और 1399 से ये मैसूर के जो किंग हैं वो कहीं ना कहीं क्या है, सामंत है किसके, वो हैं विजयनगर एम्पायर के। और विजयनगर एम्पायर में ये देखिए, यहां पर देखिए, दैट इज एज बेजल ऑफ द विजयनगर एम्पायर, मतलब वो मैसूर के राजा जो हैं वो सामंत हैं, वो सामंत हैं किसके, विजयनगर के अंतर्गत। तो इनिशियली 1399 से लेकर 1553 तक ये रूल करेंगे विजयनगर एम्पायर के अंतर्गत। तो इसमें नाम आते हैं यदुराय, वाडियार, है ना, ये सब आपके आते हैं, चर्मराज, ये तब याद नहीं रखने, बट आपको समझाने के लिए मैंने उपयोग किए हैं, ठीक है। तो दिस पिक्चर इज नथिंग फ्रॉम, दैट इज टेकन फ्रॉम द विकी, ठीक है, वहां से थोड़ा सा मैंने उठाया है केवल समझने के लिए। अब क्या होता है आगे, आगे आप देखिए, तो ये हमारे फर्स्ट किंग थे जिन्होंने इसकी फाउंडेशन रखी। आगे क्या होगा, आगे ये मैसूर के किंग जो हैं वो एब्सोल्यूट मोनार्क में कन्वर्ट हो जाएंगे, या हम कह सकते हैं इंडिपेंडेंट वाडियार किंग, मतलब ये फ्री हो जाएंगे, है ना, ये मैसूर से फ्री हो चुके हैं, मतलब सॉरी आपके जो विजयनगर एम्पायर है, क्योंकि उसका डाउनफॉल हो जाता है, और इसके डाउनफॉल के फलस्वरूप 1761 तक, दैट मींस 1553 से 1761 तक ये रहेंगे। और यहां पर आपको नाम दिख रहा है कृष्णराज वाडियार, ठीक है, डू यू रिमेंबर। और 1761 के बाद ये किंग तो रहेंगे, लेकिन अब ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे, अब ये रहेंगे हैदर अली के अंतर्गत। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं अगला, वो है दैट इज पप्पेट मोनार्क, मतलब कठपुतली के शासक होंगे अंडर द हैदर अली एंड द टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान और हैदर अली कोई शासक नहीं है, ये कहीं ना कहीं जो है वो एक तरीके से सत्ता को अपनी ओर हासिल कर लेते हैं। और शासक कौन बना रहेगा, कृष्णराज वाडियार, ध्यान दीजिएगा, नाम दीजिए, ये मैंने आपको वही बताया था जो गाना सुनते रहते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। और ये और भी किंग्स आएंगे, लेकिन ये सब किसके अंतर्गत रहेंगे, पपेट मोनार्क रहेंगे, वो हैदर अली और टीपू सुल्तान के अंतर्गत रहेंगे। लेकिन आगे चलकर नेक्स्ट, जब मैं आपको बात करता हूं 1799 में, 1799 में ये पपेट मोनार्की जो है दैट वाज हैंडल्ड बाय द ब्रिटिश रूल, ठीक है, ये अंग्रेजों के हाथ में चला जाएगा, जो मेरे सर के जस्ट ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। मैं क्या बात कर रहा हूं, मतलब ये पपेट मोनार्की रहेगी, और पपेट मोनार्की दैट इज गोइंग टू कन्वर्ट, ये हैदर अली और टीपू सुल्तान के हाथ से निकलकर कहां पहुंच जाएगी, अंग्रेजों के पास पहुंच जाएगी। और ब्रिटिश रूल जो है 1799 से 1831 तक रहेगा, बाद में 1830, दैट मींस विलियम बेंटिक के टाइम पर इनका एनेक्सेशन कर लिया जाता है। एनेक्सेशन मतलब कह सकते हैं उसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा, तब तक जो है आप कठपुतली शासक के रूप में ही काम करिए। मेरी बात समझ में आ चुकी है, तो आपकी एक मुस्कुराहट जो है आप यहां पर भेज दीजिएगा। कृष्णराज वाडियार सेकंड थे, है ना, और ये आगे चलकर थर्ड हो जाएंगे। तो नाम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नहीं है, ठीक है, बस सेकंड और थर्ड का ही है, आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। तो ये है कहानी मैसूर की, आई होप ये आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ होगा कैसे क्या है, ठीक है। अब यहां पर अंग्रेज कैसे आएंगे, ये इसी सिचुएशंस के बाद आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब थोड़ा सा आप समझते हैं मैसूर की बात। तो ये एक मैंने एक जनरल इंट्रोडक्शन दे दिया है, आप लोगों की मुस्कुराहट आई नहीं है, तो मुझे लग रहा है कुछ डाउट है, एनी डाउट टिल नाउ, कोई समस्या, सो तो नहीं गए, ओके, कुछ कुछ लोगों के आए हैं, ठीक है, कुछ कुछ लोग जो है, चलिए ठीक है। तो राजवीर जी, शिवानी जी, अजीत साहब, ठीक है, राकेश जी, कोई समस्या हो तो बताइएगा, ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, मैं ऐसा मान लेता हूँ, ठीक है। तो हाँ ठीक है,
नो डाउट सर, ठीक है दैट्स ठीक है। ये थोड़ा मेरे लिए क्या होता है, एनर्जेटिक रहता है कि आपको वही मजा आ रहा है, मुस्कुराहट आ रही है, ठीक। थोड़ा तो मुझे भी लगता है कि हाँ ठीक है सब बढ़िया चल रहा है, ठीक है। नहीं आता तो ऐसा लगता है कि अच्छा कुछ गड़बड़ हो गया, ठीक है चलो ठीक है। तो भैया मैसूर जो है वो किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है, ये मैंने आपको अभी अभी बता दिया है, इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ग्राफिकल फॉर्म में या एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में मैं बता देता हूँ, और उसको फिर मैं यहाँ स्लाइड्स में मैंने भी रखा है, ठीक है। तो ये हैदर अली नंजराज की कहानी मैंने आपको बता दी है, और ये 1749 में उनका जीवन शुरू होता है। ही बिकेम द फौजदार एट द फोर्ट ऑफ द डिंडीगुल, ठीक है, 1755 में। मतलब कौन, ये इनका मिलिट्री कैरियर शुरू हो रहा है, ठीक है, और मिलिट्री कैरियर के तौर पर ये फौजदार बन जाते हैं, ये मैंने आपको बताया, ठीक है, वहां से। और इनकी खास बात ये है कि ही वॉज दैट मीन्स, ठीक है, वो एक दोस्ती कर रहे हैं फ्रेंच के साथ, और ये फ्रेंच जो है वो कौन है, वो अंग्रेजों के दुश्मन है। थोड़ी थोड़ी महक आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और इस तरीके से हम देखते हैं आधुनिक शस्त्रागार का मतलब है दैट मीन्स मॉडर्न आर्मरी। ये वैसे ही है जैसे हमने देखा था अंग्रेज क्या कर रहे हैं। देखो अंग्रेज के पास क्या है, बंदूक है ना, बंदूक यहां से चला दी तो वो गोली आपके पास पहुंच जाएगी। जैसे आपने जो है एक मुस्कुराहट जो है वहां से भेज दी, ठीक है, वो यहां तक आ चुकी, ठीक है। तो और अभी तक हमारे जो सोल्जर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो हमारे सोल्जर्स वो गुलेल चला रहे हैं, ठीक है। आपने वो तो देखी होगी जिसमें आप देखते हैं कि धर्मेंद्र जो है वो वो कौन सी मूवी थी, शोले है ना, गब्बर वाली, ठीक है। उस गब्बर वाली मूवी में आपने देखा होगा कि वही जो धर्मेंद्र हैं वो आम तोड़ते हैं, और आम किस तरीके से तोड़ते हैं, वो गुलेल है ना, वो आप समझ सकते हैं, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं गुलेल का उपयोग करते हैं थोड़ा बहुत ऐसा है, फिर बाद में बंदूक सिखाते हैं, तो वही चीज है, ठीक है। तो मोटे तौर पर वही चीज हो रही है, फ्रेंच जो है वो कहीं ना कहीं मॉडर्न आर्मरी की जो है बनाने में इनकी सहयोग कर रहे हैं, और इनका जो सहयोग है वो आपको थोड़ा थोड़ा देखने को मिलेगा। ऑल राइट, ठीक है। हैदर अली जो है 1760 में थोड़े से पिटते भी है। देखो ये 1760 तक आते आते मराठा से पिटते भी हैं, मराठा से पिट, ये एक सिनारियो है, देखिए थोड़ा समझने की कोशिश करिए। लेकिन 1761 में इनको फिर मौका मिल जाता है, तो वो व्यक्ति जो योग्य है, जो कैपेबल है, उसके पास चांस आता है, दोबारा आता है, ठीक है। आपने वो टीवीएफ का वेब सीरीज भी देखा होगा, ठीक है, जिसमें सेकंड चांस मिल जाता है, ठीक है। तो वैसे ही आप समझ लीजिए भाई, ठीक है, यही है, ठीक है, कहानियां, ठीक है। तो हैदर अली को कंट्रीब्यूशन मिल जाता है। ये थोड़ा एक मैप है, थोड़ा सा इसको जानने की कोशिश करिए, ठीक है। तो मैं आपको एक थोड़ा सा इस मैप के द्वारा समझा देता हूँ कहानी। ओके, क्लास के नोट्स के रिगार्डिंग बात करनी, बिल्कुल बिल्कुल राजवी जी, आप बता दीजिएगा क्या है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा ये सिनारियो एक मैप है, और ये मैप जो है वो हिस्ट्री ऑफ द मैसूर से रिलेटेड है, और थोड़ा थोड़ा मैं इस मैप को आपको समझा देता हूँ क्या इस मैप की इंपॉर्टेंस है, और ये क्या मैप किस तरीके से देखेंगे, देखा जाएगा या समझा जाएगा, ठीक है, वो हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। आपको ये ग्रीन कलर में जो दिखाई दे रहा है दैट मीन्स ये कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक। थोड़ी थोड़ी आप जगह आप देख चुके हैं, यहाँ पर थोड़ा देख लेंगे, ठीक है, तो वहीं पर कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे दैट इज पुलिकट, हमने बताया था, यहाँ पर हमने एक पकौड़ा पकौड़ा याद करिए, ठीक है, ये आपको पता है। मद्रास, ठीक है, ये देखिए थोड़ा थोड़ा पौंडीचेरी है ना, बहुत सारी चीजें यहाँ आपको पता है ऑलरेडी, है ना, पौंडीचेरी, तंजोर हमने कैपिटल देखी थी ऑलरेडी, ये सब आपके याद है। ऑरकॉट, ऑरकॉट जो है वो कैपिटल है कर्नाटक की, है ना, ये सब। और ये वाला भाग भी जो है वो कहीं ना कहीं क्या है, अंग्रेजों के अधीन ही, आप ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। ऊपर कौन है, निजाम, निजाम का मतलब कौन है, निजाम मतलब आपका देखेंगे ये है आपका हैदराबाद, ठीक है ना, ये वारंगल, थोड़ा थोड़ा आप समझ लीजिए, ये आपके अहमदनगर, ये पार्ट है आपका बीजापुर, ये बीजापुर के अंतर्गत ही आता है गोवा, है ना, ये बीजापुर गोवा, ये थोड़ा थोड़ा आप ऐसा कह सकते हैं, ये वाला पार्ट जो है वो कहीं ना कहीं मराठा के पास है, ठीक है, इनका हमने पराठा देखा है ऑलरेडी, ठीक है, ये निजाम के पास है, निजाम वाला भाग है, ठीक है। अब थोड़ा सा यहां पर आइए, तो यहां पर आपको देखिए विजयनगर, ये विजयनगर का डिसइंटीग्रेशन हो चुका है, ठीक है। अब यहां पर जो है वो मैसूर जो है वो अपना फाउंडेशन रख रहा है, ये है मैसूर, और ये आपका है दैट मींस ये मालाबार कोस्टल एरिया, इसको आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। और ये कालीकट हमने देखा है, कैन्नौर, ठीक है, मैंगलोर, ठीक है, थोड़ा थोड़ा आप देख लीजिए, ठीक है। इसके अलावा हमें जो समझना है कोचीन है ना, ये थोड़ा थोड़ा आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ये है इसकी कैपिटल श्री रंगपट्टनम, दैट इज द कैपिटल ऑफ द मैसूर, ठीक है, मैसूर की ये राजधानी होगी। ये थोड़ा थोड़ा आपको एक मैप मैंने बता दिया। अब देखिए थोड़ा सा इनकी बाउंड्रीज को देखिए, ये है राजा वोडेयार का समय, ये वो समय है जब मैसूर अपने स्टार्टिंग फेज में है, जब मैसूर छोटा होता है, या मैसूर का एम्पायर जो छोटा होता है। तो ये लगभग लगभग ये समझिए, ये येलो कलर में जो दिख रहा है मैं इसकी बात कर रहा हूं,
और आगे चलकर ये मैसूर जो है वो इतना बड़ा हो जाएगा कि इसकी बॉर्डर जो है वो टच हो रही है कहां से, ये देखिए। तो अभी देखते हैं उसको, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि ये अलग अलग, अब ये देखो राजा के नाम याद नहीं रखने, जितना आप रख सकते हैं थोड़ा समझ लीजिएगा, बट ये एक्सपेंशन हो रहा है और ये एक्सपेंशन चिक्का देवराज वाडियार के समय पर होगा। दैट इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकेंड, ठीक है, ये फर्स्ट, ये है सेकेंड, और ये इतना बड़ा एम्पायर बढ़ रहा है। आगे चलकर ये एम्पायर जो है वो इतना बड़ा हो जाएगा जो आपको यहां इस तरीके से देखने को मिले। ये है एम्पायर हैदर अली के समय पर, ध्यान दीजिएगा, और ये हैदर अली के समय पर एम्पायर मोटे तौर पर इतना इतना हो चुका है। अब आप देखिए यहां पर मराठा है, यहां पर कौन है, निजाम है, यहां पर कर्नाटक है, दैट मीन्स ठीक है कर्नाटक है, और ये आपका दैट मीन्स ये लोग जो हैं वो सब कहीं ना कहीं क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से मैसूर के एनेक्सेशन, मैसूर के एक्सपेंशन से जो है वो ज्यादा टेंशन में होंगे, ठीक है। हर व्यक्ति चाहता है ना उसका साम्राज्य का विस्तार हो, बीजेपी भी चाहती थी कि बंगाल में उसका शासन हो, लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन अभी भी आप देख रहे हैं कि वो विवाद जो है वो खत्म नहीं हुए, वो विवाद खत्म नहीं हुए। क्यों नहीं हुए, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे कि वो चाहते हैं कि वो एनेक्सेशन करें, इस तरीके से करने की कोशिश करें। तो मैसूर जब एक्सपेंशन कर रहा है तो सबसे ज्यादा टेंशन किसको होने वाली है, हमारे अंग्रेज भाई को, हमारे ब्रिटिशर्स को। और वो आने वाले समय में क्या करेंगे, दे आर गोइंग टू डिक्लेयर ए वॉर, वो वॉर डिक्लेयर कर देंगे, और वॉर डिक्लेयर करने के बाद तीसरा एंग्लो मराठा, एंग्लो मैसूर जब वॉर होगा, सॉरी एंग्लो मैसूर वॉर होगा, उस मैसूर एंग्लो वॉर में एक श्रीरंगपट्टनम की एक ट्रीटी होती है, और इस श्रीरंगपट्टनम की ट्रीटी के फलस्वरूप 1792 का समय होता है, ये इतना एम्पायर जो है ब्रिटिशर्स अपने हाथ में, दैट मींस ये इतना छोड़कर, मतलब ये जो आपका डॉट 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 दिख रहा है, इतना छोड़कर ये पूरा का पूरा ले लेते हैं, ठीक है, वापस, ठीक है। तो आप इसको ऐसा समझ सकते हैं, ये मैं आपको येलो कलर में मार के बताता था, ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं, सॉरी, ये वाला पार्ट जो है वो क्या है, ब्रिटिशर्स अपने हाथ में ले लेते हैं, और ये केवल जो रेड डॉट वाला बचा है वो केवल क्या है, वो ब्रिटिशर्स जो आपके जो मैसूर के पास रहता है, बाकी ये सारा का सारा भाग ले लिया जाता है। ये कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, यहां वाला भाग कर्नाटक के अंतर्गत हो जाता है, हालांकि ये भी ब्रिटिशर्स का एलाई होता है, ये निजाम को दे दिया जाएगा, ये आपका किसको दे दिया जाएगा, मराठास को दे दिया जाएगा, और फाइनली 1799 आते आते तक, 1799 तक आते आते तक पूरा का पूरा जो है वो साम्राज्य जो है वो कहीं ना कहीं एनेक्स कर लिया जाएगा। मतलब मोटे तौर पर जो है सब्सिडरी अलायंस या सब्सिडी सहायक संधि जो है वो इम्पोज कर दी जाएगी मैसूर पर, और अब जो शासक हैं वो अंग्रेज होंगे। तो एक सिनारियो आपको समझ में आ चुका है, अब ये सिनारियो आपको आसान होगा जब हम बैटल ऑफ एंग्लो मैसूर के बीच में देखने वाले, मतलब वो वॉर देखने वाले हैं, और ये वॉर जो है उनकी संख्या आपको देखने को मिलेगी, चार वॉर देखने को मिलेंगे। तो जितना बड़ा एम्पायर, जितने बड़े खास शासक, उतना ही ज्यादा आपको क्या है वो वॉर देखने को मिलेंगे। मराठास को हराने के लिए उन्होंने 3 वॉर लिए थे, लेकिन मैसूर को हराने के लिए 4 वॉर करेंगे। तो इतना आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं मैसूर जो है वो अपनी इंपॉर्टेंस रखता है। अब आप देखेंगे कि हैदर अली जो है वो अपनी पोजीशन मजबूत करता है बैटल ऑफ पानीपत के बाद, 1761 के बाद, और इस तरीके से हम देखते हैं कि हैदर अली जो है वो पावर में आ चुका है। द ब्रिटिशर्स वर कॉन्शियस ऑफ द राइजिंग पावर ऑफ द, वो कहीं ना कहीं वो टेंशन में थे कि यार ये अंग्रेज जो हैदर अली है वो अपना एक्सपेंशन कर रहा है, और जब एक्सपेंशन करेगा तो उनका जो ध्यान है वो हैदर अली की ओर जाएगा। और यहां पर हम सीधे सीधे पहुंचते हैं कि मैसूर की ओर पहुंचते हैं, और 4 एंग्लो मैसूर वॉर हमें देखने को मिलेंगे, 1767 से 69, 1780 से 84, 1992 और 1799, दैट वॉज 4 बैटल फॉट इन बिटवीन द एंग्लो मैसूर, अंग्रेज और मैसूर के बीच में 4 युद्ध लड़े जाएंगे। ये मैप आपको मैं अभी ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो फिर से दोबारा जाने की जरूरत नहीं है। तो थोड़ा सा ये आपका ठीक ठाक मैप आपको दिखाई दे रहा है, ऑलराइट, समझ में आ चुका है। तो अब हम क्या करते हैं, एंग्लो मैसूर वॉर की ओर चलते हैं, और फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, ये मैसूर आ गया है, एंग्लो मैसूर है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, एनी डाउट टिल नाउ, कोई समस्या हो तो बताइए, अदरवाइज हम इसको आगे शुरू कर रहे हैं। अब देखिए मैसूर वॉर जो है वो कैसे शुरू होता है, वो थोड़ा थोड़ा आप जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है।
अब देखिए यहां पर मराठा भी इन्वॉल्व है, ठीक है, निजाम भी इन्वॉल्व है, और ब्रिटिशर्स तो हैं ही, और मैसूर भी है, क्योंकि मैसूर के साथ तो हम लड़ाई, तो मराठा निजाम जो है वो लगातार मैसूर को चैलेंज करते रहते हैं और लड़ाई झगड़े में कंट्रीब्यूशंस करते रहते हैं। मोटे तौर पर हम ऐसे कह सकते हैं दीज आर द राइवरीज, ठीक है, ये भी चैलेंजेस इनके द्वारा दिए जाते हैं मैसूर को। मैसूर भी सोचता है कि भाई कि इनकी कनेक्सेशन, क्योंकि भाई बॉर्डर टच हो रही है, और बॉर्डर टच हो रही है, पहले तो नहीं हो रही थी, लेकिन आप देखेंगे बाद में इनकी बॉर्डर टच होती है, जिसकी वजह से ये सिनारियो देखने को मिलता है। तो निजाम भी जो है वो इंटरप्ट कर रहा है पॉलिटिक्स में, मैसूर भी आपका सॉरी मराठा भी इंटरप्ट कर रहे हैं, और ब्रिटिशर्स तो उनकी सिचुएशंस ही है कि भैया कब हमें मौका मिले, तो जब हम जो है इस गेंद पर चौका मार सकें। अब होता यह है कि डिमांड ऑफ द रॉबर्ट क्लाइव्स फॉर एक्सेस टू द एरिया ऑफ निजान, होता यह है कि सिचुएशन एक इस तरीके से बनती है कि रॉबर्ट क्लाइव जो कि अंग्रेज अधिकारी हैं, ब्रिटिश गवर्नर हैं, एंड ही वॉज लुकिंग फॉर दैट मीन्स एक्सेस इन द हैदराबाद, वो निजाम के क्षेत्र में क्या करते हैं, थोड़ी सी परमिशन मांगते हैं कि भैया हमें थोड़ा सा जाने दीजिए, मतलब अंग्रेज थोड़े इस समय सभ्य हैं, मतलब बहुत सारा देखिए परमिशन मांग रहे हैं, ठीक है, तो वो थोड़ी बहुत यहाँ पर परमिशन मांग रहे हैं निजाम साहब से, ठीक है। 1765 में 1765 में इशू ए डिक्री ग्रांटिंग द राइट्स ऑफ द टेरिटरी टू द क्लाइव्स, ठीक है, ये मोटे तौर पर ऐसा समझ लीजिए 1765-64 का वो समय है, ठीक है, जो बैटल ऑफ बक्सर हो चुका है, ठीक है, और बैटल ऑफ बक्सर हो चुका है, तो बैटल ऑफ बक्सर के बाद आप देख लीजिए कि यहां पर पावरफुल कौन हो चुके हैं, ब्रिटिशर्स हो चुके हैं, लेकिन ये सभ्यता के तौर पर ध्यान देना, वो हर काम जो है वो डॉक्यूमेंटेड करते हैं ना, कच्चा काम नहीं करते हैं। तो 64 की लड़ाई हो चुकी है, 1765 में अंग्रेजों ने मुगल बादशाह के कनपट बंदूक रखकर एक डिग्री, एक मतलब कह सकते हैं ऑर्डर पास करवा लिया, और ऑर्डर पास करवा लिया कि हम निजाम के क्षेत्र की ओर जा सकते हैं, यह कहानी यहां पर देखने को मिलती है। इतना समझ में आ चुका होगा। निजाम ने ऑब्जेक्शन लिया, भैया ऐसा कैसे, हमसे तो पूछा ही नहीं, ठीक है, हमसे तो आपने पूछा ही नहीं कि आपने जो है सामने वाले बंदे को रिटायर्ड कर दिया। ये देखिए बंगाल और आप सेंट्रल गवर्नमेंट की लड़ाई झगड़े के पॉइंट ऑफ व्यू से आसानी से समझ जाएंगे। नरेंद्र मोदी साहब कहते हैं भैया ऐसा नहीं करिए, ठीक है, ममता बनर्जी कहती हैं हम ऐसा करेंगे, ठीक है, ममता बनर्जी कहती हैं वैक्सीन लाइए, ठीक है, वो वैक्सीन की बात ना करके वो आपका एक टू ऑर्डर भेज देंगे DOPT से, ठीक है, कहीं ना कहीं ऐसी ही सिचुएशन बन रही है। तो निजाम ने ऑब्जेक्शन ले लिया, निजाम ने ऑब्जेक्शन ले लिया, निजाम ऑब्जेक्शन लेता है, और वो इस मामले को सेटल करने के लिए एक लेटर भेजता है मैड्रास प्रेसिडेंसी, क्योंकि ये एरिया जो है मैड्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता है, मोटे तौर पर हम कह सकते हैं भाई कोशिश कर रहे हैं सेटलमेंट करने की, ठीक है। और यहां पर हम देखते हैं कि निजाम फाइनली जो होता है एक एक कह सकते हैं कि इनके बीच में एक समझौता हो जाता है, एक अलायंस हो जाता है, ठीक है भैया ऑर्डर हो जाता है, ठीक है, कि हम जो है कहीं ना कहीं क्या है आपको जो कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, और इस कद्दू के तहत ये होता है कि निजाम जो है वो तैयार हो जाता है कि यदि हमने मौका दिया अंग्रेजों को यहाँ साउथ में आने के लिए, दक्षिण में आने के लिए, तो निजाम जो है उस कद्दू को मतलब मैसूर को जो है वो दे देगा, मतलब अभी देखो घर बसा नहीं है, लुटेरे पहले आ गए, मतलब अभी आपको मैसूर मिला नहीं है, उसके पहले क्या है निजाम वॉज गेटिंग रेडी टू गेट द मैसूर, ठीक है, वो कहीं ना कहीं जो है वो उसके इंतजार में हो चुके हैं। तो ये सिचुएशन एक ऐसी बन रही है जिसमें आप ऐसे कह सकते हैं कि अब क्या होता है कि इस घटना के फलस्वरूप मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स हैं, अब ब्रिटिशर्स के साथ कौन मिल चुका है, निजाम मिल चुका है, और जब ये महक जो है पहुंचती है किसके पास, मराठाओं के पास, तो मराठा भी जो है इस अलाइन जो आपकी अलाइंस है उसको ज्वाइन कर लेते हैं। मोटे तौर पर हम ऐसे कहें कि ये जो सारा सिचुएशन मैंने अभी आपको यहां बताने की कोशिश की है, इन सिचुएशन के फलस्वरूप देयर वाज ए अलाइंस, एक आपका जो जो संगठन है वो बन जाता है, एक आपकी यूनिटी बन जाती है, और ये यूनिटी किसके अगेंस्ट में है, मैसूर के अगेंस्ट में है। भाई कद्दू कटेगा मैसूर कटेगा तो ये क्या है, सब में बराबर बटेगा, ब्रिटिशर्स निजाम और मराठा को मिलेगा, ऐसा इनको इनका सोचना है, और ऐसा ये सोचने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कि भैया कि हम ये जो है मैसूर को अपने अपने हिस्से में बांट लेंगे। अब आपको मैप याद रखना चाहिए, इसलिए मैप मैंने आपको पहले बताया कि कद्दू कट रहा है तो कहां कहां से किस किस को मिल सकता है, ठीक है, अंग्रेज भी जो है वो कहीं ना कहीं क्या है, देखिए ये मैसूर है, और नीचे मैंने आपको बताया था कर्नाटक वाला जो क्षेत्र है वो वाला एरिया क्या है, वो अंग्रेजों के ही पास है मोटे तौर पर, तो अंग्रेज यहां से इसको लेंगे, यहां से निजाम यहां से लेंगे, और यहां से मराठा ले लेंगे,
तो कद्दू कटेगा, सब में कुछ कुछ ना कुछ कुछ तो बटेगा। अब मैसूर जो है वो चारों तरफ से घिर चुका है, मोटे तौर पर आप ऐसे समझ लीजिए। अब होता यह है कि 1766 में वॉर वॉज स्टार्टेड व्हेन मराठास अटैक टू द मैसूर। 1766 में जो है मराठा जो है अटैक कर देते हैं किस पर, निजाम आपके मैसूर पर अटैक हो गया, अटैक हो चुका है। तो होता यह है कि हैदर अली यहां पर क्या करता है, वो मराठाओं को अपने पक्ष में मिलाने की कोशिश करता है। वो मराठाओं को बोलता है कि भैया एक काम करो, 35 लाख रुपया लो और आप क्या करो, ठीक है इस अलायंस से आप बाहर आ जाइए, पॉलिटिक्स तो आपको पता ही है, ठीक है इतना पैसा लो, ये करो वो करो, सरकार गिरा दो, ठीक है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या किया? सब कुछ बढ़िया चल रहा था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, बट यहाँ पर आप देखेंगे महत्वाकांक्षा जब हावी अभी हो जाती है तो पैसा ही चलता है, ठीक है। और इतना बड़ा महाराजा जो है वो आपका 35 लाख में बिक गया, ऐसा आप समझ लीजिए भाई, ठीक है। तो 35 लाख रुपए में बिक गया यहाँ पर, ठीक है। मराठा जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो 35 लाख रुपए में संतुष्ट हो जाते हैं। अब ये हैदर अली का पाला जो है वो भारी हो चुका है। हैदर अली की तरफ कौन आ चुके हैं, आपके मराठा आ चुके हैं। और ये जो निजाम, निजाम कौन है, निजाम तो एक जो है बिन पैंदी का लोटा है। आपको ये कहावत पता होगी, बिन पैंदी का लोटा का मतलब ये हुआ कि ये लोटा जो है जहां सिचुएशन बनेगी वहां पर लुढ़क जाएगा, ये कुछ ऐसा आपको देखने को मिलता है। तो सिचुएशन यदि ब्रिटिशर्स के फेवर में बनेगी तो वहां चला जाएगा, और ये जो है मैसूर के फेवर में बनेगी तो मैसूर के पास चला जाएगा। एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको, ठीक है। आपने चिराग पासवान का नाम सुना ही होगा, यकीनन सुना होगा, ठीक है। चिराग पासवान का पापा का नाम था रामविलास पासवान, आई थिंक, ठीक है, रामविलास पासवान, ठीक है। और रामविलास पासवान को कहा जाता है मौसम वैज्ञानिक, मतलब राजनीति का, पॉलिटी का मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है, ठीक है। पॉलिटिक्स जो है वो इस तरीके से करते थे कि जिस किसी गवर्नमेंट की सरकार बनती थी उसी को क्या कर देते थे, ये समर्थन दे दे देते थे। तो ये भी एक बिन पैंदी का लोटा का ही हिसाब कह सकते हैं, ठीक है। तो निजाम और रामविलास पासवान का कैरेक्टर में जो है कोई ज्यादा फर्क नहीं है, आप यहां ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है। दे आर यूजिंग द सेम काइंड ऑफ द बोर्ड्स, ठीक है, मतलब एक प्रकार से वो दोनों जो हैं वो एक तरीके से एक ही काम कर रहे हैं, जहां सरकार बनेगी वहां पर हम समर्थन दे देंगे, चाहे वो एनडीए की हो चाहे वो यूपीए की हो। और ऐसा काम रामविलास पासवान कर रहे हैं, हालांकि वो अब एक्सपायर हो चुके हैं, ठीक है। तो चिराग पासवान जो है उसकी पार्टी के लीडर हैं, और ये आपको पता होगा बिहार की पॉलिटिक्स में यदि आप थोड़ा बहुत आप समझते हैं तो इनको आप जानते होंगे, ठीक है। जो मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, मैं थोड़ा कुछ एग्जांपल ऐसे ले लेता हूँ जो आपको शायद पता होने चाहिए मेरे हिसाब से, ना, वी आर दैट मीन्स के कहीं ना कहीं हम जो है यूपीएससी लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो हमें ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ना, पॉलिटिक्स थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है। यस, ठीक है, अजीत जी का मेरे पास जो है वो आ गया है, ठीक है, इसका मतलब समझ में आ रहा है सारी चीज़ें। तो हैदर अली ने 35 लाख रुपया देकर जो है महाराजा, मतलब कह सकते हैं दैट मीन्स मराठाओं को अपनी तरफ शामिल कर लिया है, और जब शामिल कर लिया है तो क्या होगा, निजाम भी अपना साइड चेंज कर देगा। निजाम इज ऑल्सो चेंज द साइड एंड केम टूवर्ड्स द हैदर अली। अब आप देख लीजिए वो लोटा लुढ़क कर कहां पहुंच चुका है, वो लोटा जो है वो हैदर अली के पक्ष में हो चुका है। अब अंग्रेज एक तरफ हो चुके हैं और अंग्रेज के दूसरी तरफ कौन है, मैसूर, ठीक है, मैसूर के बाद मराठा, मराठा के बाद आप देखेंगे निजाम। अब आप देख लीजिए पलड़ा किसका भारी है, अब आप समझ चुके हैं कि सिचुएशन कहां हो चुकी है। और इस तरीके से हम देखते हैं कि दिस काइंड ऑफ द सिनारियो दैट वाज ऑब्जर्व ड्यूरिंग द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, द ब्रिटिशर्स अटैक्स टू द दैट मीन्स हैदराबाद, ठीक है। इस वजह से जो है ब्रिटिशर्स जो है वो एक धमकी देते हैं और अटैक कर देते हैं, दैट मीन्स मोटे तौर पर ये अटैक करने की धमकी दी जाती है हैदराबाद को। और इस तरीके से हम देखते हैं कि अंग्रेज और जो निज़ाम है उनके बीच में संधि हो जाती है कि नहीं भाई हमला मत करिए, हम आपके साथ एक संधि कर लेते हैं। 1768 में फिर एक संधि होती है निज़ाम और ब्रिटिशर्स के बीच में कि आप हम पर हमला करोगे, हम तो इतना दैट मीन सक्षम नहीं है, ठीक है, हम आपसे लड़ पाएं, ठीक है, आप लोग बंदूक चलाते हो, हमारे पास तो गुलेल भी नहीं है, ठीक है। और इस तरीके से हम देखते हैं कि इस संधि में ये कहा जाता है कि सबसे पहला पॉइंट ये देखिए कि हम मैसूर के किंग के तौर पर हैदर अली को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये किसने कहा, ये इस संधि ने कहा। अभी तक आप देख रहे हैं कि एक तरीके से इनके बीच में हो रहा है, दैट मीन्स मीटिंग हो रही है, लेकिन वो निजाम जो है इतना ट्रस्टेबल नहीं है। तो अंग्रेज भी क्या करते हैं, एक ट्रीटी करते हैं, एक काम करो आप इस मुझे लिख कर दो कि मैसूर के राजा के रूप में आप हैदर अली को एक्सेप्ट नहीं करते। हैदर अली तो एक क्या था, एक सिपाही था, याद करिए,
और वो जो है वो सिपाही जो है वो सत्ता में आ चुका है, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे औरंगजेब ने मराठा शिवाजी को जो है एक्सेप्ट नहीं किया था, बोला एक तो लुटेरा है। सेम काइंड ऑफ द थिंग्स दैट वाज गिवन, दैट वाज जो है वो ब्रिटिशर्स कह रहे हैं कि भैया हम मैसूर के राजा को नहीं मानते, हैदर अली को हम राजा नहीं मानते। और दूसरा हम देखते हैं निजाम वॉज एग्री टू गिव द ब्रिटिश दीवानी राइट्स ऑफ द मैसूर। देखो फिर वही वाली बात, ठीक है घर बसा नहीं, लुटेरे पहले आ गए, मैसूर जीता नहीं है, उसके पहले जो है निजाम जो है एग्री हो गया भैया हाँ ठीक है ले लेना, क्योंकि कनपट्टी पे तो बंदूक लगी है ना निजाम के। अब निजाम जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो ब्रिटिशर्स के चंगुल में थोड़ा थोड़ा फंस रहा है, और ब्रिटिशर्स जो है वो उसको अपने फेवर के हिसाब से मॉडिफाई कर रहे हैं, और इस तरीके से ये सिचुएशंस बन रही है कि ये लोटा जो है फिर से लुढ़क कर कहाँ आ चुका है, वो आपके ब्रिटिशर्स के हाथ में आ चुका है। तो भैया लोटे की कहानी है और ये लोटा जो है आपको देखने को मिल रहा है। मोटे तौर पर हम देखते हैं कि कुछ लड़ाई झगड़े फिर होते हैं, वॉर होते हैं, और ये वॉर सिचुएशंस बनती हैं, और जब वॉर सिचुएशन बनती है तो हैदर अली वॉज डिफीटेड एट द चंगम, ठीक है एट तिरुवन्नमलई, ठीक है। और इस तरीके से हम देखते हैं कि हैदर अली जो है लड़ाई झगड़ा शुरू होता है अंग्रेज ब्रिटिश, ठीक है ये कहानी चलती है। थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए, एक ये लड़ाई होती है यहाँ पर, ठीक है। और अब हम देखते हैं कि लड़ाई तो हो रही है और फाइनली जाकर इस बैटल का सेटलमेंट होगा और वो हम देखेंगे। अब होता ये है कि देखिए वॉर तो हुआ शुरू, और इस वॉर के शुरू के तहत हैदर अली जो है वो हार गए हैं, डिफीट हो गए हैं, उनकी जो वो है आपकी दैट मीन्स तिरुवन्नमलई, ठीक है यहाँ पर वो डिफीट हो जाते हैं और ये हार जाते हैं। अब इधर ही देखिए यहाँ पर हैदर अली की डिफीट हो गई, उधर टीपू सुल्तान जो है वो क्या करता है, द टीपू सुल्तान सन हैदर अली एडवांस टूवर्ड द मेड्रास। टीपू सुल्तान बोलता है अब हम मेड्रास की ओर जा रहे हैं, और मेड्रास कहाँ पर है, मेड्रास किसका सेक्शन है, मेड्रास जो है वो ब्रिटिशर्स का है, वो कैपिटल है, वो हेडक्वार्टर है। बोला एक काम करते हैं ठीक है हैदराबाद जो है आपका मेड्रास को जीत लेते हैं। तब आप देखते हैं कि एक सिनारियो बनता है कि भैया एक काम करते हैं ठीक है दोनों हम मिल बैठकर बात कर लेते हैं, और मिल बैठकर जब बात होती है तो मेड्रास की ट्रीटी होती है, एंड दिस इज द एंड ऑफ द फर्स्ट वॉर। गॉट इट माई पॉइंट, वट काइंड ऑफ द थिंग्स, ठीक है। इसमें आप थोड़ा सा ऐसा देखेंगे कोई धमकी धमकी वाला काम चल रहा है और छोटी मोटी लड़ाइयां चल रही हैं, और फाइनली हम देखते हैं कि हमने एक लोटा की कहानी देखी है, और लोटा महाराज जो है वो कहीं ना कहीं इधर से उधर हो जा रहे हैं, ठीक है। हैदर अली थोड़ा सा जीत हारने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब हार रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हैदर अली के सन जो है वो थोड़े से स्ट्रांग है, ठीक है, और मेड्रास को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। तो अंग्रेज सिचुएशन को समझ कर जो है बैकवुड पर आकर ट्रीटी ऑफ मेड्रास करते हैं। इन सच काइंड ऑफ द सिचुएशन, ठीक है, ये वाला बैटल जो है खत्म हो जाता है। क्या होता है, बोला हम एक काम करते हैं, ठीक है, बोथ ऑफ द पार्टी, भाई हिंदी वाले नाराज ना हो, ठीक है, यदि कोई दिक्कत हो तो आप बता दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा यहां हम देखेंगे कि वो एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं ट्रीटी ऑफ मेड्रास के तहत कि भैया हम जो हैं आपके जो जीते हुए क्षेत्र हैं और आपके जो जीते हुए क्षेत्र हैं एक दूसरे को वापस कर देंगे, और हम प्रॉमिस करते हैं, कसम खाते हैं कि हम आपके अकाउंट में 15 लाख, मतलब मेरे कहने का मतलब है हम आप पर, मतलब दैट मीन्स कि हम जो है कोई भी फॉरेन इन्वेजन के समय पर, कोई भी विदेशी आक्रमण के समय पर एक दूसरे की मदद करेंगे। दिस काइंड ऑफ द ट्रीटी दैट वॉज इन बिटवीन द ब्रिटिशर्स एंड द मैसूर, एंड दिस ट्रीटी नेम इज कॉल्ड द ट्रीटी ऑफ मेड्रास। और इस तरह से ये ट्रीटी खत्म हो जाती है, और हाँ पेट्रोल सस्ता कर देंगे भैया, 102 के आसपास पहुंच रहा है, ठीक है, भगवान मतलब कहाँ लेके जाएगा ये पता नहीं क्या है, ठीक है भाई, कोई कुछ नहीं लेके जाता लेकिन क्या करें भाई ऐसा है, ठीक है। तो ये भैया मेड्रास की कहानी है, ये फर्स्ट मैसूर और एंग्लो ब्रिटिशर्स की वॉर की कहानी है, ये सब चीज़ें आपको समझ में आ चुका होगा। तो ये मैंने आपको एक PDF भेजा है, और ये PDF बैटल से रिलेटेड है, उसमें आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा और उसमें एक्सपेंशन देख लीजिएगा, मतलब उसमें कोई दिक्कत हो तो आप फिर हम उस पर डिस्कशन कर लेंगे। बाकी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन कर दिया है, और हैदर अली की विस्तारवादी नीति रीजन हो जाएंगे। हैदर अली जो है फ्रांसीसियों से जो है फ्रेंडशिप रखता है, जो अंग्रेजों को पसंद नहीं आता है, और मैसूर और सीमा पर विवाद शुरू हो जाते हैं। कर्नाटक का नवाब जो है वो हैदर अली की जो है वो जो शत्रुता होती है, दैट मीन्स एनिमी होते हैं, एंड द एम्बिशन ऑफ द ब्रिटिशर्स, दिस आर ऑल आर द रीजंस ऑफ द बैटल ऑफ एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है। और ये एंग्लो मैसूर वॉर का परिणाम होता है मद्रास की संधि, मद्रास की संधि मैंने आपको बता दी है। इस तरीके से हम अब जाएंगे सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर की ओर।
ठीक है, ये सिचुएशंस तो आपको पता ही है कि रुकेंगी नहीं, तो ये एंग्लो मैसूर वॉर जो है हम कल करेंगे, लेकिन आपकी तरफ से कोई डाउट आ रहा था तो वो थोड़ा आप मुझे बता दीजिए कि कुछ नोट्स के रिगार्डिंग आप बात करना चाह रहे थे, तो थोड़ा मुझे आप बता दीजिए। राजबीर जी आप कुछ पूछना चाह रहे थे आई थिंक। सर जी जस्ट कंफर्मिंग लेटेस्ट पीडीएफ विजयनगर एम्पायर है। मैंने विजयनगर और उसका भेज दिया है आपको, मतलब सर जस्ट कंफर्मिंग लेटेस्ट पीडीएफ विजयनगर एम्पायर। जी हाँ, मतलब विजयनगर और आपका बहमन ये दोनों मैंने भेजा हुआ है आपको। यदि नहीं मिला है तो फिर हम बात कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ है। देखिए मैं सारे पीडीएफ भेज रहा हूँ जैसे जैसे हम दे रहे हैं, ठीक है, मतलब यदि उसमें ऊपर नीचे होता है तो मुझे बता दीजिए उसी समय, और मेरे ख्याल से मैं भेज चुका हूँ, मतलब आई एम श्योर बताओ अबाउट दैट, मैं बिल्कुल यकीनन आपकी बात कर रहा हूँ। तो कुछ या किसी और के पास हो तो इनको राजवीर जी को भेज सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब और कोई समस्या, एनी डाउट रिलेटेड टू द पीडीएफ, ठीक है। अब आपका अगला पीडीएफ, ये मैसूर वाला भी पीडीएफ आपके पास पहुंच चुका होगा ऐसा मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा सर नहीं, आपके पास आई थिंक वो अपलोड कर देते हैं ना, मतलब क्या इंडिविजुअली सेंड करते हैं, मुझे एक्चुअली आइडिया नहीं, एक्चुअली ये थोड़ा कम्युनिकेशन गैप हो जाता है हमारे बीच में, ये थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये पीडीएफ जो है वो शायद अपलोड कर लेते हैं, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरे ख्याल से, ये प्रोसेस है, मुझे जैसा मतलब पता नहीं है मतलब इस चीज का, बट आई एम नॉट श्योर, तो आई थिंक पीडीएफ शायद अपलोडेड होगा, आप वहां से इसको क्या है कि डाउनलोड कर लीजिए। और अब हम जो है आगे आने वाले हैं ब्रिटिश पॉलिसीज की ओर, ठीक है, कैसे हमने वॉर देखा है ना, वॉर के साथ थोड़ा पॉलिसीज को समझेंगे, कैसे उन्होंने क्या सोने की चिड़िया को एक काली चिड़िया में कन्वर्ट कर दिया है, और ये सोने की चिड़िया काली चिड़िया में कन्वर्ट होगी। सर मुझे भी, हाँ राजवीर जी बिल्कुल, ड्राइव में अपलोड हो जाता है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, और यदि नहीं है तो आप एक बार कंफर्म कर लीजिए, और यदि कुछ इश्यू है तो आप हम डिस्कशन कर लेंगे। तो ये देखो भाई वॉर है, ठीक है, और ये वॉर के साथ साथ पॉलिसीज भी बना रहे हैं। देखो अब ये ट्रीटी करने का उद्देश्य क्या है, ट्रीटी करने का उद्देश्य क्या है, कमजोर कर देना, ठीक है। बाकी सभी लोगों के पास कहां तक के पीडीएफ्स हैं, किसी को कोई पीडीएफ्स में कोई समस्या है तो बता दीजिएगा मुझे, मैंने सारे पीडीएफ्स बाकायदा भेजे हुए हैं, कुछ एक आध एक या दो ऊपर नीचे हो गए हों तो मैं मुझे कंफर्म कर दीजिएगा कि कौन से पीडीएफ नहीं मिले हैं, तो वो मैं बता दूंगा, ठीक है। मैं हाँ विजयनगर तक के हैं, इसके बाद नहीं मिले क्या, मुगलों का नहीं मिला क्या, पोस्ट मुगल्स का नहीं मिला क्या, मराठा का नहीं मिला, ये तो बड़ा लंबा गैप हो जाएगा फिर। आपको देखिए विजय, मैंने दिल्ली सल्तनत के दौरान विजयनगर बहमनी की बात की है। सर मुगल का PDF 1 नहीं मिला है, चलो मैं दिस पॉइंट इज नोटेड, मुगल फर्स्ट, एक्चुअली मुगल फर्स्ट भी भेजा है बट पता नहीं है, चलो ओके दैट इज इन माई हैंड, मुगल फर्स्ट, यदि मुगल फर्स्ट जो है आपको नहीं मिला है तो आई विल सेंड वंस अगेन। ओके शिवानी जी, नोटेड दिस पॉइंट फ्रॉम माय एंड, ये गेंद मेरे पाले में आ गई है। और कोई एनी एक्सेप्ट दिस वन मुगल के अलावा, मे बी आई मिस, ठीक है, हो सकता है शायद मिस हो गया हो। मुगल के मैंने दो भेजे थे, मुगल फर्स्ट मुगल सेकंड, ठीक है, सेकंड मिल चुका है, पार्ट वन मैं आपको सेंड कर दूंगा पहली बात, ठीक है। दूसरा मराठा, इसके बाद हम देखेंगे पोस्ट मुगल्स, इसके बाद हम देखेंगे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस कंपनी, और एडवेंट ऑफ यूरोपियंस कंपनी के साथ साथ एक बैटल का भी भेजा है, ठीक है। जी जी शिवानी जी बिल्कुल, आपकी बात मैं नोट कर ली है, तो ये सीक्वेंस मैंने इस तरीके से भेजा है। और ओके 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 ठीक है, तो मुगल्स का Part 1 ही पेंडिंग है, वो मैं आपको भेज दूंगा, जल्दी मिल जाएगा आपको, ठीक है, और आने वाले भी मिल जाएंगे। तो यदि इसमें और कोई समस्या, एक्सेप्ट दिस वन, दिस पॉइंट इज नोटेड इन माय
नोटबुक, ठीक है, ये बात याद हो गई, मतलब मैंने लिख लिया है। ओके okay. ओके okay, ठीक है, तो आज की सभा को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप लोगों के सर कल मैं आपको फुल लिस्ट भेज दूंगा, तक कौन से नोट्स मिल गए हैं, सो दैट ये रह गए हैं आपको पता चल जाएगा। जी, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। हाँ, मैं भी ऐसा स्माइली बना के भेज देता हूँ, वो आपका जो बना के भेजा है, ठीक है। तो ठीक है, ये हम जो है बिल्कुल इसको हम मैं डर गया था, ठीक है। तो ये हम जो है कल हम इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि कोई इश्यूज हो तो आप बता दीजिएगा, और जो भी पीडीएफ बचे, तो मुगल का तो क्लियर है, बाकी मुगल का मुझे डाउटफुल है, एक्चुअली गया नहीं गया, ठीक है, बट फिर भी मैं उसको मैं दोबारा आपको भेज दूंगा। तो आज की सभा को हम यहीं समाप्त करते हैं। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, जबरदस्त रहिए, मदमस्त रहिए, ठीक है, और एंग्लो मैसूर वॉर को देखते रहिए, और आगे हम फिर बात करेंगे, ठीक है। तो श्योर, थैंक यू, गुड डे, टेक केयर।